इसके लिए जागरूकता के अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे। नगर विकास से नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष अभियान और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। ग्राम विकास और पंचायती राज को स्वच्छता अभियान के साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में बहाल करने के साथ साथ जागरूकता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने, बेसिक शिक्षा विभाग को प्रभात फेरी के माध्यम से बच्चों के बीच में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम को बढ़ाने और वैक्सीनेशन में प्रत्येक बच्चे को 1 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण हो सके, यह कार्यक्रम हम लोगों ने उनको सौंपा। हम लोगों ने अप्रैल 2017 से कार्यक्रम प्रारंभ किया, जुलाई में 1 महीने का विशेष अभियान चलाया गया और उसके बाद यह कार्यक्रम चलता रहा। 18 में भी हम लोगों ने अप्रैल में, जून में और फिर जुलाई में एक विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया और आप आश्चर्य करेंगे 1977-78 से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष अगस्त महीने में 500 से 700 मरीज भर्ती होते थे, 125 से 150 मौतें होती थी और लगभग इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता के शिकार होते थे। और 1 वर्ष में चलाया गया अभियान कैसे कारगर साबित होता है, जब 2018 में अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अगस्त महीने के आंकड़ों को हम लोगों ने देखा, क्योंकि हमारी एक टीम इस पर भी कार्य कर रही थी, तो व्यापक परिवर्तन हुआ। वैक्सीनेशन से, स्वच्छता से, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से, व्यापक जन जागरूकता के साथ सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में व्यापक अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और साथ ही साथ वहां पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने के अलावा जागरूकता के और ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम करने के परिणाम क्या थे कि अगस्त 2018 में जब हमारे आंकड़े सामने आए तो जिस मेडिकल कॉलेज में 40 वर्षों से प्रतिवर्ष 150 तक मौतें होती थी, उस मेडिकल कॉलेज में जहां पर 500 से 700 मरीज भर्ती होते थे, अगस्त 18 में केवल 86 मरीज आए और मौत केवल 6 बच्चों की हुई, बाकी सभी बच्चों को बचा लिया गया। और मुझे लगता है यह परिवर्तन स्वच्छ भारत मिशन के कारण सामने आया। यह कार्यक्रम केवल वहीं तक सीमित नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम कैसे और भी सार्थक हो सकते हैं। नमामि गंगे परियोजना, उसका दूसरा उदाहरण आप सबके सामने है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर युवा प्रयागराज कुंभ में गया होगा। प्रयागराज कुंभ वर्तमान में चल रहा है और 4 मार्च तक चलेगा। प्रयागराज कुंभ के बारे में जब हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ की तो लोग कहते थे कि पहले तो सरकारें ऐसे बैठती नहीं थी, ऐसी बैठके नहीं होती थी, मुख्यमंत्री ऐसा विजिट नहीं करता था, मंत्रियों के ऐसे विजिट नहीं होते थे, अधिकारियों के ऐसे विजिट नहीं होते थे। हमने कहा पहले के लोग इलाहाबाद में मेला कराते थे, हम लोग प्रयागराज में करा रहे हैं। तो प्रयागराज में जब मेला होगा तो उसका संदेश भी देश और दुनिया के अंदर अलग होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ का शुभारंभ कराया, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने तैयारियां करवाई, व्यापक तैयारियां करवाई। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रयागराज कुंभ में कल तक 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। 21 करोड़ की संख्या देश से भी आई है, दुनिया से भी आई है। हम लोगों से पूछा गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या कुंभ का मैसेज होगा, हम लोगों ने कहा कि आप जो मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री ने कहा क्या स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ हो सकता है, हम लोगों ने कहा आपका मार्गदर्शन होगा तो अवश्य होगा। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रयागराज कुंभ ने स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ के संदेश को, प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार किया। हम लोगों ने 1,22,500 इको फ्रेंडली टॉयलेट बनाए। कुंभ में आप जाइए, 21 करोड़ लोग आए थे, अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम में। सबसे अधिक मौनी अमावस्या के दिन 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, लेकिन एक दिन का आपको नहीं मिलेगा। और इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ आई थी, कहीं दिन का भी नहीं हिला। अक्सर होता है कि 15-20 कहीं और जगह आप देखते होंगे 15-20 लोगों का जुलूस जाता है, कोई तलवार से कहीं किसी साइन बोर्ड पर मारता है, कहीं किसी और जगह मारता था, दंगे फसाद करते हुए लोग आगे बढ़ते थे।
आज यद्यपि 1.5 वर्ष से पौने 2 वर्ष से कोई दंगा करने का तो साहस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर सकता, लेकिन एक वो मानसिकता थी जो प्रदेश के अंदर छोटे से जमावड़े पर ही उतावला होकर के तोड़ फोड़ आगजनी करने के लिए दिखाई देती थी। और एक 5.5 करोड़ की यह श्रद्धालु जनों की भीड़ जिसने कितने शांतिपूर्ण ढंग से प्रयागराज में इतनी भीड़ थी चाहे वो सिटी के अंदर चाहे वो कुंभ क्षेत्र में, सबकी सांसें फूल रही थी। लोग बराबर फोन करते थे क्योंकि मैं बराबर उनके संपर्क में था। लोग कहते थे कि कैसे हो पाएगा, मैंने कहा देखो आपको केवल निगरानी रखनी है। वे लोग स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाएंगे भी, आपको केवल उनके सहयोगी के रूप में रहना है, आपको उनको डिक्टेट नहीं करना है, आप केवल कुछ नहीं, जहां जनता सहयोग मांगेगी वहां आपको सहयोग करना है। और आप देखेंगे कितनी स्मूथली पूरा कार्यक्रम कितने भव्य तरीके से संपन्न हो गया। आज प्रयागराज में आप जाएंगे कुंभ क्षेत्र में, न बदबू मिलेगी, न गंदगी मिलेगी, न मक्खी मिलेगी, न मच्छर मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम साफ सुथरा। कुंभ में सबसे ज्यादा हल्ला किस बात को होता था, मैंने कहा भी देखो पूरी टीम से, मैंने कहा देखो इस बार नमामि गंगे परियोजना में गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है, और हर बार हमारे पूज्य संतों का धर्माचार्यों का एक ही बात को लेकर के नाराजगी होती है कि गंगा में जल नहीं है और गंगा में शुद्ध जल नहीं है। और इस बार तो वह मुझसे पूछेंगे, क्योंकि होता है भाई उत्तर प्रदेश का युवा मुझ पर अपना अधिकार जताता है, इसलिए अपनी बातों को लेकर के बेझिझक मेरे पास आ जाता है, क्योंकि वे मानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हीं के साथ का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो अपनी बात को आसानी के उनके साथ में हम पहुंचा सकते हैं, बख सकते हैं। और वैसे ही योगी और धर्माचार्यों की भी स्थिति थी, वे लोग मानते थे कि हमारे साथ का व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो सुविधाएं और साथ साथ वहां पर उस प्रकार का वातावरण भी होगा, तो इस चैलेंज था हम सबके सामने। मैंने इस बारे में कहा, मैंने कभी हम लोग कार्य करें इस पर, कैसे गंगा जी को अविरल और निर्मल रख सके, हम लोगों ने तकनीक का उपयोग किया। और आप आश्चर्य करेंगे आजादी के बाद की किसी भी कुंभ में संगम में इतना पर्याप्त जल मिलना, इतना शुद्ध जल की आपूर्ति पहली बार हुई। इसके लिए हमें एसटीपी का उपयोग करना पड़ा, मॉड्यूलर विधि का उपयोग करना पड़ा, बायो रेमेडिएशन का उपयोग करना पड़ा, और प्रयागराज कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में बदलने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। वहां प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब उस कार्यक्रम को करने में सफल हुए, यानी जहां चाह वहां रहा। आप कार्य करना प्रारंभ करिए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सत्संकल्प होना चाहिए, आपकी राह में कोई बाधक नहीं बन सकता। और मुझे लगता है यह जीवन का एक मंत्र, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का एक मंत्र उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। इसलिए 2019 इस देश की राजनीति का एक बड़ा मंत्र साबित होने जा रहा है, और वह इसलिए साबित होने जा रहा है, हम सबके सामने चुनौतियों का एक अंबार हम सबके सामने, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कोई परिवार के आधार पर, कोई किसी अन्य आधार पर समाज को बांटने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो लोग भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने में जिन्हें परेशानी है, उन लोगों की गिद्ध दृष्टि भी भारत पर पड़ी है, भारत की राजनीति पर पड़ी है। और इस देश से 2019 इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। एक युवा जिसको इस बात की परवाह कतई नहीं होनी चाहिए कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं, युवा वह जो भारत के उज्जवल भविष्य की न्यू, सुदृढ़ न्यू का आधार स्वयं बनने को तैयार हो सके, और वह युवा जो लाभ हानि की प्रवाह के बगैर इस प्रवाह का हिस्सा स्वयं बन सके, और उस दृष्टि से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन प्रदेश के उन युवाओं को करना है। आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में हम सब एक बड़ी ऊर्जा को इस देश के अंदर प्रतिवर्ष 10 करोड़ प्रत्येक चुनाव में, हर 5 वर्ष में होने वाले चुनाव में प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में युवा पुरुष को मतदाता बनना है। 1 जनवरी 2018 को जो युवा 18 वर्ष का हुआ है, या 1 जनवरी 2019 को जो युवा 18 वर्ष का बन चुका है,
वह हर युवा मतदान करेगा। 2014 से लेकर के 2018 के बीच पूरे देश के अंदर ऐसे 10 करोड़ से अधिक युवा होगा जिसको मतदान में भागीदार बनना होगा। आप सोचिए, 10 करोड़ युवा जिसने 2014 में मतदान किया होगा, जिसने 2014 में जिसे मतदान का अवसर प्राप्त नहीं हुआ होगा, जो 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष का हो रहा है और उसने मतदाता सूची में अपना नाम डलवाया होगा, एक विशेष अभियान चला है, नहीं डलवाया है वो अपना नाम उसमें मतदाता सूची में डलवाएं। 2014 से 2019 के बीच में आप देखेंगे 5 वर्षों के इस कार्यकाल में देश के अंदर 10 करोड़ युवा नया मतदाता के रूप में देश की मतदाता सूची में आया होगा। इसमें से 5वां हिस्सा प्रदेश का है, यानी प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवा मतदाताओं को 2019 के चुनाव में भाग लेना है और उन युवाओं को उस समय इस बात को देखनी, इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि 2019 के चुनाव में हम सबकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, क्या हम फिर अपनी युवा अवस्था को उसी दिशा में मोड़ें जहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश के युवा को प्रदेश के बाहर जाने पर संकोच होता था अपनी पहचान को बताने के लिए। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का युवा 15 वर्षों तक ऐसी कुंठा के साथ जिया कि अपना पता भी नहीं बताता था। दिल्ली, मुंबई या कहीं देश के अंदर कोई उत्तर प्रदेश का युवा, अनजाना युवा कभी मिल जाता था, पूछते थे कहां के हो भाई, तो कहता था साहब यही काम कर रहे हैं। अरे भाई काम कर रहे हो, तुम्हारी आवाज तो बताती है कि उत्तर प्रदेश के लगते हो। हाँ साहब, हमारे माँ बाप उत्तर प्रदेश से थे। यानी यह बात निकलती थी, लोग बताना नहीं चाहते थे। लेकिन 2017 के बाद एक जो परिवर्तन मिला, 2014 के बाद केंद्र की सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश का नेतृत्व करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो अवसर उपलब्ध कराए, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा देश और दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा वह कह सकता है मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और उत्तर प्रदेश पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसे उत्तर प्रदेश पर जो उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो भगवान विश्वनाथ की तपस्थली है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर मानवता की सबसे बड़ी समागम कुंभ के आयोजन की स्थली है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो इस देश की स्वाधीनता संघर्ष की स्थली बनी थी, प्रेरणा स्थली बनी थी, ऐसे उत्तर प्रदेश से हम हैं। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो देश के लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश आज दुनिया के अंदर एक बार पुनः अपनी गौरवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अभी यहां पर बात आई थी बहुत सारे मुद्दों पर, आज उत्तर प्रदेश आखिर पीछे अब कहां है। आज तो दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया और देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है, यहां के नौजवानों के रोजगार और उनके प्लेसमेंट की गारंटी देना चाहता है। प्रदेश के अंदर चल रही विकास की योजनाएं, प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं, उन कार्यक्रमों को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये उभरता हुआ प्रदेश, बदलता हुआ प्रदेश, प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर, यह आज के दिन पर हम सबके सामने वह उत्तर प्रदेश है। और उस उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की, क्योंकि अगर भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है। सबसे ज्यादा युवा देश का यूपी के अंदर है और उत्तर प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली है, भरपूर ऊर्जा से भरपूर है। इसके मन में वह भाव जगे हैं जो अपने इस उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के रूप में, सबसे विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करने की क्षमता वह रखता है। मैंने उत्तर प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा को देखा है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखा है, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में देखा है जहां पर उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। और इस दृष्टि से मैं आप सबसे कहूंगा कि आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है।
हम सबको इस बात की चिंता नहीं कहीं नहीं करनी है कि कौन है साथ में कौन नहीं है, हम साथ में हैं और मोदी जी के मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। प्रदेश का हमारा युवा अगर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत, मुझे लगता है कि कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएगी। और यही तो आह्वान करने के बाद आपके पास आया हूं, आपसे यही कहने के आया हूं, हमें आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। और याद रखना, हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी युवा पीढ़ी जैसा कार्य करेगी उसी के अनुरूप परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। हमारी युवापन को आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ इस बात को महसूस कर सके कि जो ये परिवर्तन हुआ है, जो यह चीजें आज हमें दिखाई दे रही हैं, विकास के नए आयाम दिखाई दे रहे हैं, जो आज प्रदेश अपनी गौरवशाली परंपरा को द्रुत गति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो व्यापक परिवर्तन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है, इसमें मेरा पूर्वज भी, मेरे परिवार का एक सदस्य भी युवा के रूप में उसके साथ सहभागी रहा है। हमारा युवापन आने वाली पीढ़ी के लिए गौरव का विषय बन सके, इस दृष्टि से हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। और इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश की परंपरागत जातिवाद की राजनीति से, संकीर्णता की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से, प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात हमें कही थी कि 2022 में जब देश आजाद होगा, आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, 2022 में 15 अगस्त 2022 में भारत 1947 में आजादी के बाद से लेकर के 22 में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, तब हम कैसा भारत चाहते हैं। एक ऐसा भारत जिस भारत में नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की भरपूर व्यवस्था हो, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद से, अलगाववाद से, उग्रवाद से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो, जहां पर गंदगी के लिए कोई जगह न हो, जहां पर विकास और सुशासन, जहां की सुदृढ़ नींव बनकर के एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आधारशिला को मजबूती प्रदान कर रहा हो, एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा से हम सबको संकल्पित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वह कार्य मोदी जी ने 2014 में जिस दृढ़ता के साथ भारत की उस नींव को मजबूत बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, आज देश के और प्रदेश के प्रत्येक युवा का दायित्व बनता है कि उभरता हुआ भारत, यह विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ यह भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए प्राण प्रण से जुटे। मित्रों, मुझे जब मैं यहां पर आपके बीच में हूं, मुझे पंचतंत्र की एक कथा याद आती है। पंचतंत्र में एक कथा है और वह छोटी सी कथा है। एक राहगीर चल रहा है, उसने देखा जंगल में आग लगी है, एक पेड़ पर एक पक्षी बैठी है और वह देखता है कि जंगल की आग की चपेट में ये पेड़ तो आ ही रहा है लेकिन ये पक्षी भी आ जाएगी। वो देख के ताजुब कर रहा था कि आग लगी है, पक्षी उड़ नहीं रही है। उसने कहा, उड़ जा। पक्षी को इस बारे में आह्वान करते हुए जब वरागिर इस बात को कहता है कि जल रहा है वृक्ष, जलते इसके बाद तू क्यों बैठी है पक्षियों, जब पंख तुम्हारे पास, तो उस पक्षी ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया। मार्मिक उत्तर किस बात को लेकर? उस पक्षी ने इस बात को, उसने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के, गंधे कीने पात, और धर्म हमारा यही है, जल मरेंगे इसके साथ। उसने कहा कि हमारा पूरा बचपन इस पेड़ पर व्यतीत हुआ, हमने इसके मीठे फल खाए हैं, हमने अपने जवानी में इसके पत्तों को गंदा किया है और आज जब ये जल रहा है तो हम इसकी कोई रक्षा सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा धर्म यही है, हम इसके साथ ही जल मरेंगे। एक पक्षी का ये भाव हो सकता है। तो मित्रों, प्रदेश की युवा होने के नाते आपके मन में भी एक भाव होना चाहिए। और मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा, ये भाव
एक अभाव जो आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहा है, एक अभाव जिसने आपको प्रदेश के बाहर कहीं भी मूल दिखाने लायक नहीं छोड़ा था और देश के अंदर, देश के युवाओं को दुनिया के अंदर कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था, एक अभाव जिसने